सोनभद्र के खजूरी ग्राम में स्थित एक घर के बाहर खड़े स्कूटी में कुछ अज्ञात लोगों ने देर रात आग लगा दी। आग देखते ही देखते पूरे घर में फैल गई। उस समय घर में करीब 7 लोग सोए हुए थे। राहगीरों ने जब घर से तेज आग को लपटे निकलते हुए देखा तो शोर मचाने लगे। आवाज सुनकर घर में सोई वृद्ध महिला जाग गई तथा अपने पूरे परिवार को आवाज देकर जगाया और बोली कि घर में आग लग गई है, जल्दी से बाहर जाओ। इसी दौरान ग्रामीणों का हुजूम उस घर के पास पहुंच गया तथा उक्त ग्रामीण आग बुझाने के प्रयास करने लगे। ग्रामीणों ने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी, जिस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई और राहत बचाव कार्य करने लगी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जब तक आग पर काबू पाया जा सकता तब तक पूरा घर जलकर खाक हो चुका था। ग्रामीणों के सूझबूझ ने एक बड़ा हादसा होने से टाल दिया। इस आगजनी में पीड़िता के लाखों रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है। सोनी देवी है और मेरे पति का नाम है संजीत कुमार और ग्राम खजरी के रहने वाली हूँ और एनआरएलएम में डीआरपी के रूप में कार्य करती थी। आज हमारे रात में दुर्घटना हुआ है। 11 बजे रात में हमारे घर में स्कूटी खड़ी थी, उसमें अचानक किसी तरह कोई आग लगा दिए हैं, जिससे हमारी क्षति 1.25 लाख का क्षति हो चुका है। हाँ। क्या मामला था? यह मामला कुछ नहीं रहे भाई, आगे से तनी मनी टेंशन रहे कोई जो इसे, और टेंशन के बाद भाई हम सुतल, सब कोई सुतल रहा लेकिन जगे रही हम। हम जगल रही, जब प्रधान घर हल्ला हुई तो भाई कोई जगह उलग, तब पर हम शटर इनकर खुलल तब पर भी हम जानत थी, लेकिन हम नहीं की जानत कि घर में आग लागल। हम जानत थी कि भाई हम पोल में आग लागल बा, लेकिन फिर भी जब यहाँ हमारे घर जले लागल तब जान ली। तो लैकन के हम ये हाला कैलन प्रधान जी, तो गुहार करी लैकन के, तो लैकन उठल, लैकन उठल तो जाके देखत बड़न तो कहते माई के माई घर घर में आग लागल। तो हम हट चल पा रही है ये नहीं, तो हम ये लैका हमारे उठा के ले जाके पका पर बैठौलन, तब सगरो लैकन टूटलन तो जाके बीतल।